अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है दोस्तों, आप सब ठीक होंगे? तो हम यहाँ पे ठीक है। सो वो है, तो आज है जुम्मा का दिन, फ्राइडे। हमने नमाज़ पढ़ लिया है। नमाज़ के बाद का जो काम होता है, जो रूटीन होता है, वो आज हम आपको बताएंगे इस व्लॉग में। तो बने रहिए इस व्लॉग के साथ, लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी नमाज़ पढ़ के हम जा रहे हैं सुपरमार्केट, वहाँ से सामान ख़रीदना है। मेरे लिए नहीं रहता है ये, जो हम जहाँ काम करते हैं इनके लिए रहता है, ये साहब के लिए रहता है, इनकी फैमिली के लिए रहता है। तो यही हमारा काम है। दानिश जैन का शॉट मार रहे हैं। दानिश जैन जो है बंदा, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी याद को ताज़ा रखना चाहिए। तो चलिए अभी चलते हैं सुपर मार्केट, वहाँ से जाके कुछ सामान खरीदी करते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। तो वही अभी हम मौजूद हैं सुपरमार्केट में। अभी यहाँ से कुछ सामान खरीदी करेंगे। ये जो पोर्शन है पूरा, यहाँ पर चिप्स लगे हुए हैं, और हमारे अब्दुल्ला भाई साहब कुछ खरीदी कर रहे हैं इधर। ये पूरा बिस्किट और बिस्किट का सेक्शन है। ये चिप्स है, कलर कलर के, जो चाहिए आपको मिल जाएंगे बेस्ट। वही हाँ तो भाई, ये हम ले रहे हैं अभी कचरा, ये सर पूरा जैतून है, खुशर अल्लाफ़यार वाओ। ये पूरा शैम्पू वाला सेक्शन है, यहाँ से शैम्पू ले सकते हैं आप आके। आप कहीं को लेते, लेकिन हम घूम रहे हैं, हमारे को लेना है यहाँ से, हम खरीदी कर रहे हैं। टेढ़ा मेढ़ा पूरा घूमो मार्केट, चलो फ्राइडे रूटीन, फ्राइडे का काम ऐसा ही होता है काम, सब लोग को नहीं लगता ये। हाँ भाई, इधर पूरा प्लास्टिक का प्लेट वगैरह रखे हुआ। ये 25 नंबर एग्जिट में ये नहदी मार्केट है, नया खुला है यहाँ पर, अभी यहीं पे हम आए हैं। हादा कुल्लू मसाला, मसाला बिरयानी मसाला, गोश्त मसाला, पूरा मसाला ले लो, मसाला यहाँ से ले लो, मसाला ले लो, मसाला। हाय हाय कीकर्स। हाँ तो भाई, ऐसा होता है जुम्मा के दिन का काम, जुम्मा की नमाज के बाद ये सब करना पड़ता है। ये पूरा सेक्शन है दूध का, जो दूध का पाउडर होता है, और इधर पूरी चाय रखी हुई है, चाय पत्ती, चाय बनी भी नहीं है लेकिन चाय पत्ती है, पत्ती जय करो। चलो 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 चलो, यला यला यला। हाँ तो भाई जने, हमारा अभी हो गया है मार्केट से सामान लेना। तो अभी हम आपको काम की रूटीन बताने वाले हैं कि हमको दोपहर से कितना काम, कब तक काम लगेगा, क्या क्या करना है। अभी चलो, अभी सामान घर पे फेंकते हैं, फिर जाना है मक्सला राधान, जिसको बोलते हैं मक्सला, यानी कि जहाँ कपड़ा वगैरह धुलाई होती है, वहाँ जाना है, फिर वहाँ जा करके आपसे मुलाकात करेंगे। चलिए,
हाँ भाई, पहले हम गए थे बड़ी वाली मार्केट, फिर अभी आए हैं छोटा सा बकाला। अभी यहाँ से हमको लेना है कोला, पेप्सी और 7 अप। बने रहिए, देखते रहिए वीडियो। ये हो गया जी 10 कोला, 10 मतलब और 10 पेप्सी। Five hours later। हाँ भाई लोग, गुड इवनिंग। अभी हो गई है रात, अभी रात के 11 बज रहे हैं तकरीबन। अभी ड्यूटी ख़त्म हो गई है हमारी, असर के टाइम से ड्यूटी लग गई थी, गाड़ी लेके निकल गए थे। तो फिर अभी अभी वापस आए हैं, 11 बज रहे हैं। तो हम सोचे चलो वीडियो को एंड करते हैं। हमने सुबह दोपहर में वीडियो चालू किया था जुम्मा की नमाज के बाद में। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में @DailyShahir लिख के आपका सवाल लिखिए, तो मेरे को पता चलेगा कि आपका सवाल है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, जुम्मा के दिन भी यहाँ पर छुट्टी नहीं होती है। मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर कोई एक ही वीडियो नहीं देखता है, कोई अलग अलग वीडियो देखते रहते हैं। तो जुम्मा के दिन भी छुट्टी नहीं होता है यहाँ पर। हाउस ड्राइवर को खास करके, जो घर में काम करते हैं और इस तरह में काम करते हैं, उनको जुम्मा के दिन छुट्टी नहीं होता है। छुट्टी जुम्मा के दिन मिलती है सिर्फ कंपनियों में काम करने वालों को बस, और कंपनी में काम करने वालों को छुट्टी मिलती है जुम्मा के दिन, फिर हफ्ते के दिन से ड्यूटी चालू हो जाती है। हाउस ड्राइवर को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है, कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी। काम करते रहो करते रहो करते रहो। जब यहाँ से टिकट लेके आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे, एयरपोर्ट में उतर जाएंगे, जब भी आपको छुट्टी मिलेगी, तब तक छुट्टी नहीं मिलने वाली है, ध्यान रख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपके भाई को दीजिए इजाजत। मैं सलाम, अल्लाह हाफिज। भाई दबे, ये मेरे कपड़े हैं, मेरा रूम भी चेंज हो गया है, आप लोगों को बताना है इंशाल्लाह, बताऊंगा। जो मैं पहले रूम में था वो रूम अभी हट गया है, मेरे से चला गया है, वो दूसरा कोई उसमें आ गया है। मेरा रूम फिर से पुराना वाला ही आ गया है, फिर मैं आपको कोई वीडियो में बता दूंगा मेरा रूम कैसा है।